नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ग्लाइटेस एमएफ एक ब्रांड नेम है। ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ग्लिकलेजाइड 80 mg और मेटफोर्मिन 500 mg होता है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल किसी एक दवा से नियंत्रण में न हो रहा हो, तब डॉक्टर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है। ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है और शरीर की नसें डैमेज हो सकती है। इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ति परी डायबिटिक स्टेज पर है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल व खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्द होना, चक्कर आना, मुंह के स्वाद में बदलाव होना, दस्त होना, कब्ज होना और पेट में दर्द होना आदि साइड इफेक्ट्स ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट्स ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट की खुराक से संबंधित होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो डॉक्टर ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट की डोज को कम कर सकता है। ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह, गले, होठों या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस या एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने पर हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट को खाना खाने से तुरंत पहले या खाना खाने के बीच में लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट को दिन में 2 बार सुबह व शाम को लेने की सलाह देते हैं। ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चिंता व तनाव से बचना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। किडनी फेलियर होने पर, हार्ट फेलियर होने पर, लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर, टाइप 1 डायबिटीज होने पर, कोई सर्जरी होने पर,
डायबिटिक कोमा होने पर और कीटोसिस होने पर ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेड्यूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ग्लाइटेस एमएफ टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।